तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको ऐसी तीन टिप बताने वाला हूं जिससे आप आपके YouTube वीडियोस में या आपके चैनल में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। इससे आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी या कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ये बिल्कुल फ्री में सब होगा। तो चल चलते मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूं कैसे आपको जो YouTube बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहां से लाना है और कैसे ऐड करना है, सब मैं बताने वाला हूं। तो चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी तरह से टेक्निक एंड अर्निंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज अब हम आ गए हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको YouTube ओपन कर लेना है। मैं आपको तीन स्टेप बताने वाला हूँ और ये तीनों स्टेप आपको YouTube पे ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ऐसा पेज आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना है NCS। NCS का फुल फॉर्म होता है नो कॉपीराइट साउंड। यहाँ पे आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च कर दिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला चैनल आ गया है वही है नो कॉपीराइट साउंड। इसे आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप इसका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज़ में आके, यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है और ये आपके वीडियोज़ में बैकग्राउंड साउंड या बैकग्राउंड नॉइज ऐसे कुछ यूज़ आप कर सकते। जैसे आप अबाउट में चाहते हैं, अबाउट में यहाँ पे लिखा होगा नो कॉपीराइट साउंड इज अ फ्री कॉपीराइट। यहाँ पे सब आपको कॉपीराइट फ्री मिल रहा है। यहाँ पे ये साउंड लगाने के बाद आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी या कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, ये आप यूज कर सकते। ये फ्री में है, इसे आप यूज कर सकते। इसके लिए आपको कोई चार्जेस या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाली है। ये था पहला NCS जो कि नो कॉपीराइट साउंड था। अब दूसरा स्टेप है या दूसरा जो पार्ट है वो है नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक। ऐसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑडियो लाइब्रेरी, या आप ऑडियो लाइब्रेरी डायरेक्टली सर्च कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड साउंड है वो यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, या आप देख सकते हैं यहाँ पे हर दिन या दिन में दो तीन बार यहाँ पे वीडियोस डाली जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 5 hours हो गए, वन डे टू डे, तो ऐसे हर रोज़ वीडियो डाली जाती है। जैसे आप यूज कर सकते, यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट यूज़ करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है। जैसे आप इसके भी अबाउट में जाते तो यह आप देख सकते यहाँ पे नो कॉपीराइट म्यूजिक ऐसे लिखा है, और यहाँ पे लॉग म्यूजिक, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, आप यहाँ ध्यान से पढ़ लेना, इससे आपका जो एडवांटेज हो जाएगा। इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, और आपके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसका नाम है वो यहाँ ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देना डिस्क्रिप्शन में, म्यूजिक ऑडियो लाइब्रेरी ऐसे कुछ म्यूजिक NCS, जिससे कि कॉपीराइट आने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब आएगा ही नहीं। अगर आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये आपकी मर्जी। तो ये हो गया जो YouTube का था NCS और यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आपकी जो थर्ड पार्टी वो यहाँ क्रोम ब्राउज़र में है। क्रोम ब्राउज़र में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे सर्च बार में YouTube ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं YouTube है वो यहाँ सर्च कर लेता हूँ, YouTube डेस्कटॉप साइट आपको यहाँ पे एनेबल कर देनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते YouTube की जो साइट है वो यहाँ आ गई है। तो मैं यहाँ फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट एनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो YouTube की डेस्कटॉप साइट है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। तो यह आप देख सकते हैं हमारी जो YouTube की डेस्कटॉप साइट है वो यहाँ आ गई है। तो इसे हम YouTube ओपन कर लेते हैं। YouTube स्टूडियो हमारा जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ऐसा पेज आ जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपके सब्सक्राइबर कितने, क्या कितने, ये सब आप देख सकते। तो यहाँ पे आपको इस वाले बटन को टैप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस वाले आपके लोगो के ऊपर एक यहाँ पे 3 dots वाली लाइन दिखेगी, उसको आप टैप करते हैं। टैप कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो लाइब्रेरी, उसे आपको टैप करना है। जैसे आप ऑडियो लाइब्रेरी को टैप करते तो आपके सामने YouTube की जो ऑडियो लाइब्रेरी है वो यहाँ ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे बहुत सिंपल से ओपन हो जाएगी। इनमें से भी आप कोई भी म्यूजिक वो यहाँ यूज़ कर सकते। ये म्यूजिक सब YouTube का ही है, जिसे आप यूज़ करके कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो यहाँ ऐड कर सकते।
अगर यहाँ पे आपको इसकी क्वालिटी या इसकी कैटेगरी चेंज करनी, तो यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी या कैटेगरी भी चेंज कर सकते, ये आपकी मर्जी। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी एक ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद मैं इस वाले बटन को टैप करता हूँ और ये जो हमारा सॉन्ग है वो यह चल पड़ेगा, जैसे कि आप यह यूज कर सकते हो। तो यह हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो लाइब्रेरी क्लासिक। इस पर आप जैसे टैप करते तो यहाँ पे जो आपकी ऑडियो है वो या यूट्यूब पे या क्रोम ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्रोम ब्राउज़र पे ही ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ से आप डायरेक्टली जो आपकी यूट्यूब वीडियोज है, यूट्यूब बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो या डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बिना झंझट के डाउनलोड हो जाएंगे। तो इसे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे ही जो बैकग्राउंड साउंड है या बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आपको मिल जाएगी। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी को पेड करने की ज़रूरत नहीं, आप ये फ्री में यूज़ कर सकते। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी तरह से टेक्निक एंड अर्निंग की वीडियो लाते रहते। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।